हमारे साथ तो है लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली जी, जो कि अभी अभी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके आए हैं और इंडिया में बड़ा निवेश करने वाले हैं। तो चलिए हम जानते हैं मिस्टर अली के साथ। सर, कैसा मीटिंग रहा कॉमर्स मिनिस्टर के साथ? कॉमर्स मिनिस्टर के साथ बहुत अच्छा मीटिंग हुआ और आजकल NRIs के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत आसान किया बनाने के लिए। बहुत खुशी है क्योंकि लॉ चेंज किया है और हमारा सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल आ रहा है लखनऊ में और योगी आदित्यनाथ जी का गवर्नमेंट बहुत हम लोग को सपोर्ट किया है उसके लिए जी। और हमारा दूसरा शॉपिंग मॉल केरला में ट्रिवेंडर में आ रहा है। ऑलरेडी इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल हम लोग कोचिन में बनाया है और हम लोग 5 शॉपिंग मॉल और हाइपर मार्केट्स का हमारा बिजनेस है वो इंडिया में भी बढ़ाने वाला है। हमने बोला कि 50,000 एम्प्लॉयमेंट वी वांट टू क्रिएट, दैट वी आर गोइंग टू दैट डायरेक्शन। सर, लुलु ग्रुप देखा जाए तो मिडिल ईस्ट और इस रीजन में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है जी, एंड आपका मैक्सिमम एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया इंडियंस है, तो इंडिया में आप कैसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे? इंडिया में अगर हाइपर मार्केट शॉपिंग मॉल खुलेगा तो समझ लो आप, अगर कोचिन में हमारे एक शॉपिंग मॉल है उधर 4,000 लोग काम करता है जी, तो ऐसे ही शॉपिंग मॉल में लखनऊ में भी 4,000-5,000 आदमी काम करेगा, ट्रिवेंडर में भी करेगा और हमारे हाइपर मार्केटों में भी 700-800 लोग काम करेगा। और हमने ज़्यादा जो है अपना एजुकेटेड गर्ल्स है उसको भी ज़्यादा काम देने के लिए, स्पेशली इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसा हम जानते हैं कि आप मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े रिटेल जायंट हो, ठीक है, तो वैसे आप इंडिया में उतना प्रेजेंस नहीं है, 4-5 बोल रहे हैं, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट का वादा किया है आपने कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ जी, जी। कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे आप जी? हमने 20,000 crore का इन्वेस्टमेंट का वायदा किया है और हम ये सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं है, हम तो प्रैक्टिकल आदमी है, हम बिजनेसमैन है, प्रैक्टिकल है और हम इन्वेस्ट करने के लिए वायदा करेगा तो इन्वेस्ट करेगा। बाय व्हेन? थैंक यू सर। बाय व्हेन कब तक आप ये 20,000 crore इंडिया में निवेश करेंगे? 3 साल में, नेक्स्ट 3 years, दैट्स अ बिग, थैंक यू, दैट्स अ बिग न्यूज़ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नाइस टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू। तो जैसा हमने देखा कि लुलु ग्रुप के चेयरमैन 20,000 crore इंडिया में निवेश करने वाले हैं और ये पैसा जो निवेश करेंगे ये शॉपिंग मॉल्स खोलेंगे, लॉजिस्टिक्स पार्क खोलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों में निवेश करेंगे और इससे कम से कम 50,000 का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। एबीपी न्यूज़ भारत से दूर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। यूएई की अपने बनने की एक खुद की कहानी है। रेगिस्तान में एक खूबसूरत देश, खूबसूरत शहर जो पूरे दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। तो आखिरकार ये सपना साकार कैसे हुआ, कैसे इतने कम समय में एक देश इतना खूबसूरत तैयार हुआ है कि आज पूरी दुनिया दुबई की ओर, यूएई की तरफ देखती है। बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े हाईवेज और पूरे दुनिया का व्यापारिक केंद्र। और इस सपने को साकार करने में भारतीयों के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। कई भारतीयों ने कई वर्षों की मेहनत तपस्या से इस खूबसूरती में अपना योगदान दिया है। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, तौसीफ खान जी। तौसीफ खान जी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं लेकिन पिछले 30 सालों से यूएई में रहते हैं, दुबई में रहते हैं। आपको बता दें कि यूएई में 100 से अधिक इमारतों के डेवलपमेंट और रखरखाव की जिम्मेदारी तौसीफ जी की कंपनी पर है। तौसीफ जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। तौसीफ जी जो हैं वो चेयरमैन हैं कंपनी के जिसका नाम है सिटी टावर। सर, सबसे पहले तो हमें बताएं, 30 साल पहले आप अलीगढ़ से, यूपी से दुबई आए, ये सफ़र कैसा रहा और 30 साल पहले की तस्वीर कैसी थी यूएई की और अब आज की तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं? वेल, दिस बहुत अच्छा सफ़र रहा है और उसमें सबसे पहला मैं यही कहूँगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है और संस्कार हैं उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है इसमें और उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करके हम यहाँ तक आए और यहाँ पर अपनी मेहनत से जो कुछ सीखा अपने मुल्क में उसको यूटिलाइज़ किया, कैपिटलाइज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता, बहुत हार्डवर्क तो होता है हर सक्सेस लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें फेज़ आउट की और उसके बाद विद द ग्रेस ऑफ गॉड
लाइफ बनती चली गई, कंट्री ने भी सपोर्ट किया, सिस्टम ने भी सपोर्ट किया, लोगों ने भी सपोर्ट किया और ख़ुद की फैमिली ने भी, हमारे भाई बहन दोस्त अजीज़ अकारीब सभी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो दैट्स हाउ दिस थिंग्स हैपेंड एंड अल्टीमेटली लोकेशन ऑफ कंट्री वॉज वेरी गुड, देर वॉज लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डू एंड लकीली आई मीन दिस वी गॉट द चांस टू डेवलप आवर करियर हियर, दिस हैपेंड हियर। इसी तरह से जैसे कुछ भाई लोगों ने हमारे इंडिया में सक्सेस किए है, हमने यहाँ पर किए, तो वी ऑल आर स्टिल डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस बट सक्सेसफुली मैनेजिंग द लाइफ। तो आसिफ सर, ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आज जब देश आज़ाद हुआ 1971 के समय रेगिस्तान था, कच्ची सड़कें थी यहाँ पर, लेकिन आज यहाँ के जो हाईवेज हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे मेट्रो, यहाँ की ट्रेन्स, यहाँ के बिल्डिंग्स, इमारतें आज तो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती हैं। ये बना कैसे, विज़न क्या था, कैसे ये कामयाबी मिली जबकि यहाँ कई दिक्कतें थी, पानी की दिक्कत है, आप रेगिस्तान में आप शहर बसा रहे हैं, यहाँ का मौसम जो भारत जैसा मौसम नहीं है, यहाँ पर कभी बहुत ज़्यादा गर्मी तो फिर ठंडा मौसम। सी आई थिंक गॉड हैज़ गिवन like strength to a human being to achieve anything, whatever you decide, whatever you think you can achieve it, you can achieve it subject to the condition if you have a dedication, commitment, honesty and transparency, all those things part of this country. These people, they think, thanks God to His Highness, His thinking, His like you know just like father like son. Sheikh Rashid, our father like son, या जैसे कि बाप होता है वैसे ही बेटा होता है। तो His Highness के जो फादर थे, वो उनका एक टारगेट था कि he want to achieve, उनकी एक तमन्ना थी कि दुनिया की लार्जेस्ट और टॉलेस्ट बिल्डिंग दुबई में हो। तो उस ज़माने में ट्रेड सेंटर बना और वो ट्रेड सेंटर बना तो वो ट्रेड सेंटर से दुबई पहचाने जाने लगा कि टॉलेस्ट बिल्डिंग है यहाँ पर। फिर उनके जब बेटे ने, His Highness His शेख मोहम्मद ने जब टेक ओवर किया, तो उसके बाद उनका ड्रीम था कि मैं अपने फादर की इस ड्रीम को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेके जाऊंगा। तो आज दुनिया का टॉलेस्ट टावर शेख खलीफा, बुर्ज खलीफा जो है दुनिया का इस वक्त दुबई में है। तो वो ड्रीम उसी डेडिकेशन, उसी कमिटमेंट और उसी डिज़ायर से और उसे पैशन से कम्प्लीट हुआ। End of the day, everybody has to leave the world. We are here temporary. But whatever you leave behind, that is what you are known for. जो भी आप पीछे छोड़ के जाते हो उसी से आपकी पहचान फिर होती है। तो मैं यही कहता हूँ अपने सारे देशवासियों को और अपने नेताओं को, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ कंट्री के लिए करें, पब्लिक के लिए करें, अपने जनता के लिए करें, ताकि हर जनता, हर पब्लिक, उसको घर हो सोने के लिए, उसको खाना हो खाने के लिए, उसके लिए लाइफ में सुकून हो। वी शुड मिल के जॉइंट होके अपनी पब्लिक के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी कंट्री के लिए अगर हम लोग करें तो हमारी कंट्री भी ऐसी ही सुंदर, इससे ज़्यादा हसीन और इससे ज़्यादा नाम दुनिया में होगा उस चीज़ का। तो वी शुड कोलेटरली हम सब लोग मिल के उस चीज़ के लिए काम करें, इधर उधर के काम धंधे छोड़ के अपने एक दूसरे की सपोर्ट, अपने मुल्क वासियों के लिए सपोर्ट, अपने भाइयों के लिए सपोर्ट, अपनी जनता के लिए सपोर्ट, अपने मुल्क के लिए सपोर्ट, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। हमें बताएं कि भारत में ऐसा क्या नहीं है जो यूएई में है, और यूएई 50 सालों में यहाँ तक पहुँचा और अभी हम 75 साल अमृत महोत्सव बना रहे हैं लेकिन अभी हमें वो सफलता हासिल नहीं हुई है। सिंपल थिंग्स मैं इतना बोलूँगा मेरे भाई कि सब लोग मिलके, और ख़ास तौर से हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे जो कर्तव्यधर्ता हैं, हमारे माई बाप हैं, उनके हाथ में हमारी जनता ने डोर दिए, उनको चाहिए कि अपने मुल्क को देखें, अपने लोगों को देखें। वी आर देयर फैमिली, हम लोग उनके फैमिली हैं। और हर वो आदमी जो हमारा देशवासी है, हमारे मुल्क में रहता है, हमारा अपना भाई है, हमारी अपनी बहन है, उसके घर पे छत होना, उसके घर सर पे छत होना चाहिए, उसके पेट में खाना होना चाहिए, उसके बच्चे को एजुकेशन होना चाहिए, उसके फैमिली को मेडिकल हेल्थ सपोर्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हमारे सब जो कर्तव्यधर्ता हैं, जो उसके जिनके हाथ में ऊपर वाले ने डोर दिए, उनको इन चीज़ों के लिए काम करना चाहिए, आई गारंटी यू कि हमारी कंट्री दुनिया में सबसे बेस्ट कंट्री होगी। आज चंद लोग हैं जो एजुकेशन
एजुकेटेड हैं वो इस कंट्री को चला रहे हैं। अगर इमेजिन करो कि 90% एजुकेशन हो जाए तो हमारी कंट्री को कोई बीट नहीं कर सकता, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग। वो चीज़, वो कंफर्ट, वो सहूलियत, वो आराइश, वो लग्जरीज जो दुनिया में लोग सोच नहीं सकते हमारे मुल्क में मौजूद होगी, क्योंकि चंद लोग हैं जो इस एजुकेशन, इस कंट्री को इतने इस लेवल तक लेकर आए। इमेजिन करो कि आप एजुकेशन परसेंटेज अगर बढ़ जाए तो वेयर वी विल बी स्टैंडिंग टुमारो, नोबडी कैन कॉम्पीट अस। सर ये बताएं, अभी निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, रिहायशी इमारतों की बात कर रहे हैं, बिजनेस टावर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में तो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था नीचे गिरी है। आपके जो इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, यहाँ पर कितना प्रभाव पड़ा है कोरोना काल का, और अभी मौजूदा स्थिति क्या है यहाँ पर दुबई में? सी, जब कोरोना आया था तो कंट्री ने सबसे पहले सब लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी थी कि सब लोग अपने अपने घरों में रहें। 2 वीक्स का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल था कि सबको बंद करना, उसके बाद पूरी कंट्री को डिसैनिटाइज किया कंट्री ने। यहाँ के जो माशाल्लाह रूलर्स हैं, दे आर द आउट ऑफ द वर्ल्ड, हैट्स ऑफ टू देम, ट्रस्ट मी, आई विश एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज लाइक देम। क्या होता है कि दे डोंट थिंक मनी, दे थिंक अबाउट लाइफ, लाइफ ऑफ ए पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So that's how they protected the people, they sanitized the country. After 2 weeks they opened the country and they supported the people. They said everything is free, vaccination is free, medical aid is free, tests are free. So all these supports they have provided to those people. So with these things country has flourished, people have remained there and they are working here. Wo yahan pe rehke hi kaam kar rahe hain aur phir country ke development ke liye kaam kar rahe hain. Jab aap जनता को इतना दोगे तो जनता आपको डेफिनेटली वापस करेगी, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। तो कंट्री की जो सक्सेस है कोरोना काल में भी, कोई किसी तरह का, जाहिर है छोटा मोटा तो 19-20 होता है, बिजनेस इतना डाउन वर्ल्ड वाइड हुआ, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए। दैट इज़ व्हाट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड शुड बी लाइक एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल इन द वर्ल्ड। सर इस समय एक्सपो चल रहा है और पूरे दुनिया की निगाहें दुबई की तरफ हैं, दुबई एक्सपो 2020, आपकी इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री क्या अपेक्षा कर रही है, क्योंकि करोड़ों लोग अगले 6 महीने तक दुबई में आने वाले हैं, तो इंडस्ट्री के लिए क्या अपेक्षा करते हैं और दुनिया के लिए क्या अपेक्षा कर रहे हैं? सी आई टेल यू वन थिंग, ये जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने अभी तक दुबई को नहीं देखा है और इस कंट्री को नहीं देखा है, वो लोग जब यहाँ आएंगे तो आई एम श्योर कि उनकी आंखें खुलेंगी और देखेंगे कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इस सपोर्ट के साथ, अभी तक इस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सब कुछ है लेकिन इंडस्ट्री वाइज बहुत कम है। तो जब यहाँ पे दुनिया के इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, दुनिया की मार्केटिंग कंपनीज और प्रोडक्ट कंपनीज आएंगी, तो दे विल इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज, देयर इंडस्ट्रीज ओवर हियर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम श्योर एक्सपो विल बी द बिगेस्ट hand, what you call, tool for them to understand how this market is going to be, how the country is going to be supporting to them. So expo will definitely bring lot of people from the world together, sab logon ko saath lekar aayega aur sab logon ko ye idea hoga ki country mein there is lot of potential to develop and to do the business, not only in real estate, tourism industry, hospitality, रियल इस्टेट, ट्रेडिंग, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर द बिजनेस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए तौसीफ सर, तौसीफ खान जो कि चेयरमैन हैं कंपनी के, और पूरे दुबई में 100 से ज़्यादा इमारतों के रखरखाव और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, और अपनी बातें साझा करते हुए कहा कि हर वो क्षमता भारत में भी है, कि भारत में भी हर क्षेत्र में विकास हो सकता है, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश बन सकता है, बशर्ते जो देश के लीडर हैं और देश की जनता है वो ठान ले और जनता के हित में सभी काम करने लगें।